fam, that's what they call me. I promise that you never be lonely. Be the fam, that's what they call me. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि आप कैसे जो है घर बैठे अपने मोबाइल से अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। ऐसे भी लॉकडाउन चल रहा है, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ऐसा एक वेबसाइट जिससे जो आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। तो कैसे जो आपको उस वेबसाइट पर रजिस्टर करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसके साथ साथ अर्निंग की कुछ सीक्रेट ट्रिक आपको बताने वाला हूँ इस वेबसाइट की। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक फुल वॉच करना, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो जिन्हों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और पास में जो बेल आइकन है उसको कर दो प्रेस, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और नए मेरे वीडियो में दोस्तों आप लोगों के लिए गिवे भी रखते हो, तो गिवे में पार्टिसिपेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में अच्छे से कमेंट कर देना। तो चलिए शुरू, आप जो मैं आ गया मेरे मोबाइल के होम स्क्रीन पर, उसके बाद आपको जाना होगा क्रोम पे। तो क्रोम पे जाने के बाद आपको सर्च करना होगा fire.com। तो fire.com लेके सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा मेरा, तो हाँ इस तरह से पेज आपके सामने कुछ ओपन हो जाएगा। तो लेके होगा साइन अप फॉर फ्री अकाउंट, तो आपको अपना फर्स्ट नेम डालना होगा। इसके बाद आपको लास्ट नेम डालना होगा, इसके बाद ईमेल आईडी आपको सिलेक्ट कर लेना, इसके बाद गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना इसके बाद आपको पासवर्ड डालना होगा, इसके बाद अपना जो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको ऑप्शन दिया गया हो तो उसको भी आप कर सकते हो। इसके बाद जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करना होगा। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाता है, इसके ऊपर यहाँ पर यस कर देना। यस करने के बाद आपको यहाँ पर सब कुछ सिलेक्ट कर लेना है और सबमिट बटन पर। तो मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो गया है। तो इसके बाद आपका जो अकाउंट है उसको एक्टिव करना पड़ेगा। तो एक्टिव करने के लिए आपको जाना पड़ेगा जीमेल पे। तो जीमेल पे जाने के बाद आपको कोई नोटिफिकेशन आएगा, कौन सा, तो यहाँ पर हमारा जो एक्टिव योर अकाउंट ऐसा लेकर फाइबर अकाउंट से हमको जो एक नोटिफिकेशन आ गया जीमेल पे। तो यहाँ पर आपको जो लिंक दिया जाएगा वहाँ से नीचे आप क्लिक करके अपना जो अकाउंट है उसको आप एक्टिवेट कर सकते हो। तो एक्टिवेट करने के बाद आपको बैक आ जाना है। तो बैक आने के बाद आपको फिर से क्रोम पे जाना है। तो क्रोम पे जाने के बाद आपको कुछ इस तरह से पेज लोडिंग होगा। तो यहाँ पर आपको लॉगिन लेके एक ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर अपने जो अपने यूज़र नेम आपको आपने डाला था उसको आपको सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद इसका जो पासवर्ड आपने दिया था तो उसको भी यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद रिबूट वाले रिकैप्चर ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो ये जो थोड़ा लोडिंग हो रहा है, तो लोडिंग हो गया, हमको जो है यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर हमको वेलकम लेके कुछ आ गया है, तो देखिए इसके बाद आप इसको डेस्कटॉप मोड पे कर सकते हो, आपके बहुत काम आने वाला है। तो डेस्कटॉप मोड पे करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से तो माय अकाउंट पे जाना है। तो माय अकाउंट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर अर्निंग करने के लिए, तो माय अकाउंट पे आने के बाद आपको जो मैं बात बताने वाला हूँ वो आपको ध्यान से सुनना होगा।
तो इसके अंदर आपको अर्निंग करने के लिए जो ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ तो आप उसको सही से सुनेगा। तो यहाँ पर आप म्यूज़िक, ई बुक्स, बुक्स वगैरह आप यहाँ पर डाल के जो है अच्छे खास अर्निंग कर सकते हो। तो ई बुक्स और बुक्स कहाँ से आपको मिलेगा इसके लिए भी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, तो अगर तक बने रहिए। तो यहाँ पर ई बुक्स वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। तो जाने के बाद आपको पब्लिश वाले ऑप्शन पे जाना है। तो यहाँ से जो है आप क्रिएट न्यू पब्लिशर, तो यहाँ पर आप आपका जो ई बुक्स अपने बनाया जो भी ई बुक्स है तो उसको यहाँ पर डाल के आप पब्लिश करके जो है अच्छा खासा अर्निंग जो है करने वाले हो। तो पहले मैं यहाँ पर बात कर ले तो इसके अर्निंग की आपको क्या क्या मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको पहले जो है यहाँ पर एक्टिव योर अकाउंट, तो आपको जो है यहाँ पर अपना अकाउंट जो है एक्टिव करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जो है कंट्री सिलेक्ट करना होगा। तो मैं इंडिया से तो इंडिया सिलेक्ट करूँगा, तो इंडिया सिलेक्ट करना होगा। इंडिया कहाँ गया, इंडिया तो इंडिया सिलेक्ट करने के बाद आपको जो मोबाइल नंबर है उसको आपको यहाँ पर डालना होगा। मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है आपको एक कॉल या पिन आएगा एसएमएस के थ्रू, तो उसको यहाँ पर आपको डालना होगा। तो रिसीव द टेक्स्ट मैसेज, यहाँ पर क्लिक करके आपको कॉल के लिए रिक्वेस्ट करना होगा। तो मैंने कर दिया है, तो मुझे जो है एसएमएस आ जाएगा उनकी तरफ से या कॉल आ जाएगा। तो मेरे पास जो कॉल आ गया है तो मेरा जो अकाउंट है वो कंफर्म हो गया है। तो फिर से आपको एक्टिव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और आपका जो अकाउंट है वो 24 आवर्स में एक्टिव हो जाएगा। तो फिर भी आप जो है इससे अर्निंग कर सकते हो। तो मैं जो अर्निंग की ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ, ई बुक्स और फ्री म्यूज़िक आपको कहाँ से मिलेगा, आपको जाना होगा गूगल पे। तो गूगल पे जाना है तो गूगल पे आने का आपको सर्च करना होगा फ्री PLR ई बुक्स डाउनलोड। तो यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन पे, सेकंड वाले ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट करना होगा। सेकंड पे आपको जो, तो यहाँ पर देखिए आपको कितने सारे जो है ई बुक्स आपको देखने के लिए मिल जाता है, कितने सारे पेज जो है यहाँ पर आपको फ्री ई बुक्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। तो आप किसी भी ई बुक्स को आप सिलेक्ट करके जो है अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। इसके बाद आपको जो है PSLR जो ई बुक्स है आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो देखिए डिटेल्स, हमारे जो PSLR हो गया है, तो यहाँ से जाके जो है आप इसको जो है ओपन करके देख सकते हो। तो इसके अंदर आपको फ्री म्यूजिक भी देखने के लिए मिल जाता है, फ्री म्यूजिक्स भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर जो मैं बेस्ट आपको ई बुक के बारे में बताने वाले जिससे आप अच्छे से अर्निंग कर सकते हो वो हेल्थ, हाँ हेल्थ से रिलेटेड आपको ई बुक जो है डालना होगा। तो यहाँ पर कितनी जो है हेल्थ से रिलेटेड आपको ई बुक्स मिल जाएगा। तो यहाँ इसको आप पब्लिश करके जो है अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। तो मेरे चैनल पे आपको गिवअवे भी मिलने वाला है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके और एक लाइक कर दें।